नमस्कार दोस्तों, चैनल ही मछली रसोई में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमारी, हम आज बना रहे हैं राजमा। दोस्तों ये राजमा है, बहुत टेस्टी होते हैं। आज मैं इनकी विधि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, आप ध्यान से देखना लास्ट तक मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर नहीं किया हो तो, ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टाइम से मिलती रहे। ये राजमा है, मैंने एक कटोरी में आपसे ले ली है, दो आदमियों के लिए मैं बनाऊंगी। इसमें मैं पानी डाल दूंगी, 7-8 घंटे इसको भीगने देंगे। उसके बाद जो पानी इसमें होगा बचा थोड़ा बहुत, बाकी तो सूख जाएगा। ये सूख लेंगे, थोड़ा सा नरम होगा, ज़्यादा नहीं। वो पानी हम निकाल देंगे और उसको नया पानी ताज़ा डाल के कुकर में कुछ सीटी लगाएंगे, ऐसे ही 20 मिनट तक। ये राजमा मैंने भिगो के पानी निकाल लिए हैं और ताज़ा पानी इसमें 2 गिलास डाले हैं कुकर में। अभी मैं 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा हींग मैं इसमें डालूंगी और ढक्कन बंद कर दूंगी। स्टीम बन जाएगी कुकर में तो 3 सीटी लग जाएगी। उसके बाद हम धीमी आंच पे 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। जब तक ये पकेगा आइए देखते हैं क्या क्या चाहिए। ये मैंने एक बड़ा सा प्याज काट के ले लिया हुआ है। ये मैंने कद्दूकस के ऊपर 2-1 टमाटर कस के लिया हुआ है और ये थोड़ा सा धनिया पत्ता और लहसुन और अदरक काट के लिया हुआ छोटा छोटा करके। अभी 1/2 घंटे के करीब इसमें हो गए हैं। 3-4 सीटी लगने के बाद मैंने आंच बहुत कम कर दी थी और अब ठंडा होने पर मैंने इसको खोला है। ये देखिए अभी हमारे राजमा जो है हो चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल फट चुके हैं। अभी हम इनमें तड़का लगाएंगे। ये मैंने पैन में तेल डाल दिया, इसमें धुआं निकल गया है। दोस्तों तेल से धुआं निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो कच्चा बन रहता है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत जीरा, ये गर्म हो चुका है, और डाल रही हूँ मैं 2-3 लौंग और दालचीनी और 2 मिर्चें। खड़े मसालों का अपना ही फ्लेवर होता है। अभी ये हो चुके हैं। अभी मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक जो छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा हम ब्राउन होने देंगे। अभी हम ये हो चुका है, प्याज डाल देंगे। अभी प्याज हमारा हो चुका है। अभी हम डाल रहे हैं इसमें देगी मिर्च 1 चम्मच। नमक हमने पहले भी डाला है, हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी वो भी हमने पहले डाली हुई है, तभी हम थोड़ी थोड़ी ही डाल रहे हैं ताकि कलर अच्छा आए। ये धनिया पाउडर है, 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर के डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ। अब इनको ठीक से मिला लेंगे। सूखे मसाले जल्दी जल जाते हैं, इसलिए हम जल्दी से टमाटर जो कस के रखे हुए हैं उनको भी। अभी हमारे टमाटर हो चुके हैं। अभी जो हमने उबाल के रखे हैं राजमा, हम उनको डाल रहे हैं। देखिए तेल छोड़ दिया, ऐसे ही हमारे हमें चाहिए। अभी थोड़ा सा कुकर में रह गया था वो भी मैंने धोके डाल दिया है। 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे ताकि मसालों का सारा फ्लेवर जो है राजमा में चला जाए और ठीक से मिल जाए। ये हो गए हमारे हिमाचली राजमा। अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें धनिया पत्ता। ये देखिए कितने अच्छे गाढ़ा और ग्रेवी बनी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों आप चाहे दाल चावल के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ, चपाती या पूरी के साथ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ।
ये हो गए हमारे राजमा तैयार। लास्ट में हमने देसी घी डाला, इसका अलग ही स्वाद होता है, ऊपर से डालने के लिए बहुत टेस्ट बनते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ऐसा राजमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले भिगोना 7-8 घंटे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद कुकर में डाल के 20 मिनट तक धीमी आंच, ये पहले स्टीम बनने बनने देते हैं, उसके बाद धीमी आंच पर 20 मिनट तक रखना ज़रूरी है। उसके बाद तड़का लगा के तभी ही अच्छे राजमा बनते हैं। थैंक यू दोस्तों।